पुष्पा मूवी के सभी बिहाइंड द सीन्स एंड फैक्ट आप इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, फिल्म का शख्सियत तो सभी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का पहनावा कैसा था ये कोई नहीं देखता। तो फिर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको मूवी के बारे में कुछ फैक्ट बातें बता दूं, आपको जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो फैक्ट है वो अल्लू अर्जुन के भाई यानी पुष्पा के जो हिंदी जिसने आवाज दिया है वो श्रेया तलपड़े हैं। उनकी इस काम को काफी तारीफें मिली है एंड हिंदी में अल्लू अर्जुन की जो रियल वॉइस भी है ना वो श्रेया तलपड़े से काफी मिलती है। वो पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। अंडवा वो अंडवा सॉन्ग का जो कि बिहाइंड द सीन आप देख रहे हैं इसमें समंता रूप ने काफी अच्छी तरीके से किया है एंड जो उसका हार्ड वर्क है वो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं एंड इन्होंने मेहनत करी है तो इसका फल भी तो इन्हें मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस गाने के लिए यानी पुष्पा मूवी का जो आइटम सॉन्ग है उस गाने के लिए इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए मिले थे, तो वो हार्ड वर्क तो बनता है। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है तो आपको ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन एक्चुअल में ये काफी खतरनाक है। तो जब आप यहाँ पर देखे होंगे कि जब अल्लू अर्जुन अपने साथी के साथ लाल चंदन की लकड़ी को जब ट्रक से लेकर भागता है एंड रास्ते में जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वे और उसके साथी ट्रक को जंप करा लेते हैं बैरिकेड से, तो यह उसी समय का सीन है। एक्चुअल में यह सीन स्टंटमैन यानी डबल बॉडी द्वारा किया गया था एंड आप देख रहे होंगे कि इन्होंने पहले हेलमेट पहन रखी थी एंड इन्हें किसी प्रकार का चोट वोट भी नहीं लगा था एंड ये जो सीन शूट किया गया था ये काफी सक्सेसफुली हुआ था। अब बढ़ते हैं फिल्म कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। फिल्म के जो डायरेक्टर है वो सुकुमार है एंड यह फिल्म जो 17 दिसंबर 2020 को हिंदी समेत अन्य 4 भाषाओं में रिलीज हुई थी। फिल्म का शूटिंग ज्यादातर लोकेशन कर्नाटक और हैदराबाद के इलाकों में हुई थी, यही के लोकल एरिया में जितने भी सीन आप देख रहे हैं वे सारे शूट किए गए थे। यही पे फाइटिंग एंड झील का भी यही सीन फिल्माया गया था। मूवी में किसी भी प्रकार के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। आप जितने भी लाल चंदन के पेड़ की कटाई और लकड़ियां देखे थे वे सभी फार्म के बने हुए थे। उन लकड़ियों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए उन पर कलर किया गया था। श्रीवल्ली गाने को इसी लेक पर फिल्माया गया था एंड जो आप इस सुकुमार के घाट कस्ते पे देख रहे हैं एक्चुअली ये रश्मिका मंदना को डायरेक्शन दे रहे हैं जिसे आप सॉन्ग में भी देखे थे श्रीवल्ली गाने में एंड यहीं पर इसी झील में अल्लू अर्जुन घाटी में नहाते हुए दिखे थे। यह सीन मंगलम सीनू के सेफ हाउस का है, यहीं पर मंगलम सीनू के सेफ हाउस को बनाया गया था। यही वो जगह है जहां पर चंदन की लकड़ी थी, वो इसे जगह पर छुपा के रखता था एंड जब पुलिस इसे खोजते हुए यहां पर आती है तो बाद में उसे पुष्पाराज नदी के रास्ते बहा देता है। चंदन की लकड़ी को वाटरफॉल से थ्रू नदी में गिराने का जो सीन है आपने देखा था कि केरल के एक मशहूर वाटरफॉल में फिल्माया गया था एंड आपने इसी सीन में देखा हुआ होगा कि जितनी भी लकड़ियां थी तो वो एक जगह से नदी में वो पुष्पाराज ने उसे जितनी भी लकड़ियां आई थी वो भरकर उसे कलेक्ट कर लिया था। यह उस समय का सीन है जब श्रीवल्ली की शादी पुष्पाराज से होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी यह शादी नहीं हुई एंड उसके बाद पुष्पाराज अपनी माँ को लेकर जिस हॉस्पिटल में जाता है ना वो जो सीन है यह उसी वक्त का सीन है। लास्ट में आप ये सीन देख रहे हैं, यह सामी सामी सॉन्ग का सीन है। तेलुगु हिंदी समेत 3 भाषाओं में यह जो सॉन्ग है वो रिलीज हुई थी। ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो आप पाक के सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक है एंड ये सॉन्ग भी काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड ये सॉन्ग के पीछे काफी ज्यादा मेहनत भी है एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुकुमार सर खुद इस सॉन्ग का जो सिग्नेचर स्टेप है वो उन्हें बता रहे हैं। अगर आपने इस मास्टर मूवी को मिस कर दिया है तो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अमेजॉन प्राइम का अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस मूवी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी।